नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। आज नवरात्र का आठवां दिन है। आठवें दिन महागौरी की देशभर में पूजा आराधना की जा रही है। देशभर के मंदिरों और पूजा पंडालों में मां भगवती के गौरी स्वरूप के दर्शन करने के लिए भक्तों की तादाद सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रही है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि भगवान राम ने रावण को हराने के लिए पहली बार अश्विन महीने में देवी पूजा की थी, इसीलिए बंगाल में इसे अकाल बोधन भी कहते हैं, यानी असमय पूजा। कथा के मुताबिक रावण को हराने के लिए भगवान राम को शक्ति चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने देवी की उपासना 108 नील कमल के साथ की थी। तब देवी ने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। फिर नवरात्र में अष्टमी नवमी की रात राम रावण के बीच में युद्ध हुआ था, इसीलिए आज भी आधी रात को विशेष पूजा की जाती है। बंगाल में इस पूजा के लिए कैसी है तैयारियां, ये दिखाने के लिए आपको कोलकाता भी लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि देश भर में कैसे मनाया जा रहा है दुर्गा अष्टमी का ये पर्व। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज मां जगदम्बा की आराधना का आठवां दिन है। आज पूरा देश मां गौरी की पूजा का महापर्व मना रहा है। शहर शहर, मंदिर मंदिर, मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा हो रही है। नवरात्रि के पर्व में दुर्गाष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नौ दिनों के पर्व में आठवें दिन मां शक्ति के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान होता है। उन्हीं के नाम पर ही इस पर्व को दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। आज सुबह से ही देश भर में मंदिरों और पूजा पंडालों में मां महागौरी की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ लगी है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कांगड़ा से लेकर कोलकाता तक मां के सभी मंदिरों में आज भक्ति का रंग देखते ही बन रहा है। मां दुर्गा के गौरी स्वरूप से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। इसके बाद शिवजी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं, जिसके बाद देवी बेहद कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं। इसके बाद इनका नाम गौरी पड़ गया। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। माँ महागौरी को धन, ऐश्वर्य, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अष्टमी पर महागौरी की पूजा से मनचाहे विवाह का वरदान भी मिलता है। जब आप अष्टमी तिथि पर माता की पूजा करते हैं तो इसके दो लाभ होते हैं। पहला लाभ कि आप किसी भी तरह की तपस्या का फल पा सकते हैं। माता महागौरी का मतलब है जिन्होंने तपस्या के बाद शिव को प्राप्त किया, वो स्वरूप है माता महागौरी का। और दूसरा, इनकी उपासना से मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। चाहे आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, माता महागौरी की पूजा करेंगे अष्टमी तिथि पर तो मनचाहे विवाह का वरदान जरूर मिलेगा। आज भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लिए मां गौरी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। दिल्ली के चितरंजन पार्क में अष्टमी पर मां गौरी की विशेष पूजा की गई। दिल्ली के सीआर पार्क में मां दुर्गा के उत्सव को मनाने के लिए भव्य पंडाल बनाए गए हैं।
नवरात्र के छठे दिन से ही यहां दुर्गा पूजा के विशेष आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। जहां सीआर पार्क में हुई मां गौरी की विशेष आरती में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं अष्टमी के दिन राजधानी के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। छतरपुर मंदिर देश के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में मां दुर्गा की छठी विभूति मां आद्या कात्यायनी विराजमान है। हर नवरात्र को भक्त दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अष्टमी के मौके पर छतरपुर मंदिर में देवी का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद मां के ओजमयी स्वरूप की भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। तो वहीं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी अष्टमी के मौके पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस खास अवसर के लिए मां के दरबार को दुल्हन की तरह सजाया गया। मां की मूर्ति और मंदिर के अनुपम रूप को देखकर भक्त भाव विभोर नजर आए। वैसे तो नवरात्र के सभी नौ दिनों में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन अष्टमी के मौके पर देश के अलग अलग कोने से भक्त यहां मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली से दूर मुंबई में भी मां महागौरी की आराधना का पर्व बेहद उत्साह से मनाया जा रहा है। दुर्गाष्टमी के मौके पर मुंबा देवी मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। पूरे महाराष्ट्र की आराध्या मां मुंबा देवी के दरबार में इस मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मां चंद्रिका देवी के दरबार में अष्टमी पर विशेष रौनक नजर आई। दरबार सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी मंदिर में, और आप देखेंगे किस तरह से श्रद्धालु यहां पर भारी संख्या में उमड़े हुए हैं और मां के दर्शन करने के लिए यहां भीड़ लगी हुई है। और तमाम देखिए पुजारी जो हैं वो लगातार सबके टीका लगा रहे हैं, दर्शन चल रहा है और मां के साक्षात दर्शन आप जो है हमारे माध्यम से कर पा रहे हैं। अष्टमी का शुभ दिन है, दीप जल रहा है, दिया जल रहा है और ऐसे में ये दर्शन कर रहे हैं। मां चंद्रिका देवी को लखनऊ की कुलदेवी माना जाता है। यही वजह है कि लखनऊ में चाहे आम हो या खास, जब भी किसी के यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले चंद्रिका देवी के ही दर्शन करने की मान्यता है। खास तौर पर नवरात्र में यहाँ दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि के दौरान जिन नौ देवियों को पूजा जाता है उनकी पिंडियां इस मंदिर में मौजूद हैं। यही वजह है कि यहां दर्शन करने के लिए न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे यूपी से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। उधर यूपी से दूर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में अष्टमी पर जगदम्बा की विशेष पूजा की गई। इस मौके पर 1008 बातियों से मां की महाआरती उतारी गई। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा का सबसे गाढ़ा रंग पश्चिम बंगाल पर ही चढ़ा है। राजधानी कोलकाता में आज सुबह से ही मंदिरों और पंडालों में अष्टमी की विशेष पूजा की रौनक नजर आ रही है। मैं इस वक्त उत्तर कोलकाता के एक पंडाल में मौजूद हूं, जिसका थीम है मोक्ष, यानी इंसान किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दीपक को भी बस थोड़ी ही देर बाद प्रज्वलित किया जाएगा। ये कुल 108 दीपक हैं जिनको प्रज्वलित किया जाएगा। सौंधी पूजा अष्टमी जिस वक्त खत्म हो रही होती है, नवमी जिस वक्त लग रही होती है उस दौरान ये पूजा होती है। इसके अलावा पान के पत्ते आप उधर देख सकते हैं और माँ का पूरा श्रृंगार करते हुए आज अष्टमी पूजा, जिसको सौंधी पूजा जिसको हम कहते हैं, कि वो बस उसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर बाद होने वाली। 108 बेल पत्र यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। चलिए तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 54 इयर्स ओल्ड ये पूजा पंडाल लगातार अलग अलग थीम्स पे यहाँ पर पंडाल को सजाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है मोक्ष। इंसान जन्म लेता है लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, स्टेजेस अलग अलग स्टेजेस में यहाँ पर इस पंडाल को सजा के दिखाया गया है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा, नॉर्थ कोलकाता से। तो चलिए दुर्गा पूजा के यही तमाम रंग दिखाने के लिए सीधा कोलकाता का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी नवजोत रंधावा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत, जैसे पहले आपने बताया कि
वहां पर पहुंचकर एक तो जो लाइव एक्सपीरियंस आपने किया है, आपने बताया कि ये अनुभव आपको करना चाहिए वहां पर पहुंचकर, जिस तरह से मंत्रमुग्ध आप हो गई हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, कौन सा पंडाल है, बताइए जरा इसके बारे में। नवजोत, इससे पहले जो तस्वीरें जी इससे पहले जो हमने तस्वीरें देखी थी ना आपके साथ लाइव जुड़ के, उसमें आप ना आप खुद भी ढाक डांस पे बहुत इंजॉय कर रही थी, तो पीछे भी मुझे लगता है वही डांस चल रहा है शायद इस वक्त। और खास बात कोलकाता के हर पंडाल की ये है कि हर थीम हर एक पंडाल का अलग अलग रहता है। तो आप इससे पहले कौन से पंडाल में गई, हर थीम क्या वहां पर अलग अलग है, कुछ बताइए उसके बारे में। बिल्कुल, मैं पंडाल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। मैं कैमरा पर्सन अजय को कहूंगी, देखिए अशोक गुप्ता, मेले वाला थीम आपको देखना है ना, अजय जरा पीछे दिखाइए, आपको एग्जैक्ट वो कलर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए मेला अलग अलग तरह से, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो न सिर्फ माँ के दर्शन करें बट इसके साथ ही साथ इस पूरे पर्व को एंजॉय करें। शगुप्ता, मैं कुछ ही देर पहले एक पंडाल में गई थी, उस पंडाल का थीम था तोरल। तोरल बेसिकली बुद्धिस्ट कल्चर का एक फ्रूट होता है। तोरल को हम अगर हम कहें कि बुद्धिस्ट कल्चर में उसको एक केक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या फिर भोग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल पंडाल है। एक चीज खास तौर पर शगुप्ता मैं मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जितने भी पंडाल देखे थीम अलग अलग हैं, यहाँ पर हर पंडाल के ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, जो थीम बनाते हैं, जो सोचते हैं कि हमें इस बार ये मैसेज देना है, उस मैसेज के साथ बाकायदा अलग से म्यूजिक कंपोज होता है। हर पंडाल में आपको एक सा म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, हर पंडाल का म्यूजिक अलग होता है। जैसे मोक्ष पंडाल में मैं गई, मोक्ष पंडाल का जो म्यूजिक था वो मेडिटेशन से रिलेटेड था। उससे पहले हमने प्रकृति का, नेचर का म्यूजिक देखा था, वो जो हमने स्टोरी दिखाई थी टेक्नोलॉजी वर्सेस नेचर, उसका म्यूजिक अलग था। जो तस्वीरें और रंग लगातार आप दिखाती जा रही हैं, एक बहुत ही खास बात कोलकाता की ये है दुर्गा पूजा को लेकर दुनुची डांस, तो आपको मौका मिला वो करने का या देखने का? मैं बता दूं, दुनुची डांस जो होता है वो जिस दिन माँ की विदाई होती है, जब सिंदूर खेला होता है दशमी के दिन, उस दिन सिंदूर खेला और सिंदूर खेला से पहले बकायदा अपने दुनुचियां लेकर वो डांस किया जाता है और ढाक पर वो डांस होता है। उससे पहले ढाक पर नॉर्मल लेडीज सभी लोग डांस करती हैं, जैसे कि हमने आज दिन में भी दिखाया था। दुनुची के लिए हमें परसों तक का इंतजार करना होगा, जब माँ की विदाई और उससे पहले सिंदूर खेला के दौरान जो पारंपरिक वेशभूषा में व्हाइट रेड बॉर्डर साड़ी एंड रेड ब्लाउज और सिंदूर खेलते हुए औरतें, वो दुनुची हाथ में लेकर ढाक की थाप पर वो डांस करेंगी। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं भी उसका हिस्सा बनू शकुप्ता। चलिए, आपने साड़ी पहनना इस बार मिस कर दिया, अगली बार आप पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि नवजोत, कुछ खाया पिया या नहीं पंडाल में? शगुफ्ता, मैंने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चाय पी है। इसके अलावा आज का, क्योंकि अष्टमी का दिन है, अष्टमी के दिन यहाँ पर जो पारंपरिक फूड होता है, जो माँ को भोग लगाया जाता है, वो होता है लुच्ची और आलू की सब्जी। अब वो आलू की सब्जी भी अलग अलग तरह से बनती है, मैंने लुची और दम आलू की। चलिए आप एंजॉय कीजिए जी, चलिए आप इस खाने पर एंजॉय कीजिए और चलिए इजाजत दीजिए, क्योंकि
वक्त का थोड़ा सा तकाजा है। तो देखिए, एक हफ्ते से देश भर में शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। कहीं पंडालों में आस्था का सैलाब है तो कहीं गरबा की धूम मची है, तो कहीं रामलीला की रौनक देखने को मिल रही है। आस्था के अलग अलग त्यौहार जो है वो मौसम में रंग भी भरते जा रहे हैं। लगातार इन सब की तस्वीरें हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप तक पहुंचाते जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में आज हम आपको भक्ति के कुछ ऐसे ही रूपों की तस्वीरें दिखाएंगे जो आमतौर पर देखी नहीं जाती हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत सारी दुनिया में इसीलिए सबसे अनूठी भी मानी जाती है, क्योंकि बात चाहे परंपराओं की हो या फिर आस्था की हो, हम अपनी भावनाओं से इनमें इतनी तरह से रंग भर देते हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। कहीं शक्ति को नमन करती भक्तों की तलवार, कहीं झूले पर सजा है मां अंबे का दरबार, कहीं दंडवत होकर जगदम्बा की जयकार, तो कहीं ढोल की थाप पर मां की मनोहार। नवरात्र के 9 दिनों में यूं तो सारा संसार ही मां भवानी की भक्ति से रोशन रहता है, लेकिन कई जगहों और मौकों पर आस्था का ये सैलाब मानो सारे बांध तोड़कर बहने लगता है। शक्ति पूजन के महापर्व पर भक्ति की ये सबसे अनोखी तस्वीर आई है गुजरात के नर्मदा से। सदियों से राजपूत जिस तलवार को अपनी आन बान और शान का प्रतीक मानते आए हैं, गुजरात के कोविल राजपूतों ने उसी तलवार को मां भवानी की भक्ति का जरिया बना लिया है। नर्मदा में हरसिद्धि माता मंदिर में तलवारों के जरिए मां की आरती उतारी जाती है। मां हरसिद्धि देवी नर्मदा के कोविल राजपूतों की कुलदेवी। पिछले 400 साल से समाज के युवक हर नवरात्र में अपने आस्था की लौ को तलवार की नोक पर रखकर मां अंबे की आरती उतारते आ रहे हैं। डेढ़ घंटे तक चलने वाली इस महाआरती में मां दुर्गा के आगे ये नौजवान तलवारों से ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। तलवार पर तिलक, यानी राजपूतों की आने वाली पीढ़ियां तलवारबाजी का हुनर न भूल जाएं, इसलिए सालों पहले तलवारबाजी के जरिए मां हरसिद्धि की इस अनोखी आरती की शुरुआत की गई थी। ये परंपरा आज भी कायम है। यहां हरसिद्धि माता की आरती के दौरान तलवारबाजी में भाग लेने वाले नौजवानों की ट्रेनिंग कई दिनों पहले शुरू हो जाती है। तलवार कैसे चलानी है, कैसे घुमानी है, हर बारीकी का बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद कोई नौजवान हरसिद्धि माता की तलवार आरती में शिरकत कर सकता है। इस बार इस महाआरती में गुजरात के 7 जिलों के 200 से ज्यादा युवकों ने भाग लिया। तलवार महाआरती नो मुख्य हेतु ए छे के राजपूतों शक्ति नु प्रतीक तलवार गणाय छे, अने ए राजपूतों जळवाई रहे शक्ति नु प्रतीक अने माताजी नी आराधना अने राजपूतों नी एकता ए अमारो मुख्य हेतु छे, अने ए जळवाई रहे एना माटे अमे तलवार महाआरती करीए छे। तलवार महाआरती मां गुजरात ना 7 जिल्ला ना राजपूत युवानो जोड़ाया हता। भक्ति के साथ शक्ति के अनोखे संगम वाली इस महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस बार भी हरसिद्धि माता की खास आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अनोखी भक्ति की एक और तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के रायसेन से, जहां 40 फीट ऊंचे झूले पर मां जगदम्बा का दरबार सजाया गया है।
रायसेन में देवियों के सभी 9 रूपों की झांकी इस झूले पर सजाई गई है। अपने कृपा के पलने पर संसार को झुलाने वाले अधिष्ठात्री को खुद झूले पर विराजमान देखने के लिए दूर दूर से भक्त उमड़ रहे हैं। यूं तो रायसेन के इस पंडाल में मां के स्वरूप को और झांकियों के जरिए भी समेटने की कोशिश की गई है, लेकिन झूला झूलती मां की झांकी देखना यहां भक्तों के लिए सबसे खास अनुभव है। तो वहीं झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मां के प्रति श्रद्धा का एक दूसरा स्वरूप भक्तों को लुभा रहा है। छोटा नागपुर में संथाल समुदाय के कलाकार गांव गांव जाकर संथाल नृत्य के जरिए मां की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस परंपरा के तहत संथाल लोक कलाकारों की कई टीमें गांव गांव जाकर छऊ नृत्य के जरिए महिषासुर मर्दन के दृश्य को पेश करती है। इस इलाके में हर साल महालया से लेकर विजयदशमी तक हर साल मां की भक्ति का ये खास स्वरूप देखने को मिलता है। आस्था के रंग बिरंगे रूप से तर झारखंड के ही देवघर में मां की आस्था का एक दूसरा स्वरूप भी देखने को मिलता है, जहां भक्त मनोकामना की पूर्ति के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। देवघर के विष्णुपुर गांव में हर साल अष्टमी के दिन हजारों भक्त सुबह नदी से मंदिर तक दंडवत रेंगते हुए दुर्गा मंदिर तक पहुंचते हैं। सुबह 3 बजे अंधेरे में नदी में स्नान करने के साथ ही मां शक्ति की इस अनोखी आराधना की शुरुआत हो जाती है। देवघर में भक्त सदियों से इस मुश्किल परंपरा को निभाते आ रहे हैं। सदियों पूर्व यहां राजशाही जमाने से मां भगवती को जब देवघर भीतरखंड से लाया गया था राजा मर्दन सिंह के द्वारा, तो उस समय उन्होंने दंड देकर जो है सो मां को वहां से बेदी से लाया था और लाके मां को यहां स्थापित किया था। तब से ही दंड देने की परंपरा है और दंड देकर जो कोई भी श्रद्धालु मां से मांग करते हैं उनकी मनोकामना मां राजराजेश्वरी पराशक्ति भगवती अविलंब पूरी करती है। देवघर से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के पाली में मां का एक और भक्त नवरात्र में अपनी भक्ति की शक्ति को यूं ही आजमा रहा है। पाली के हिंगला मंदिर में चेतन गिरी महाराज नवरात्र के पूरे 9 दिन तक अपना आधा शरीर मिट्टी में दबाकर मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। शक्ति आराधना के पर्व में आई ये तस्वीर आस्था की डोर थाम कर अपने आराध्य के लिए समर्पण की हर सीमा को पार कर जाने का अनोखा उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नवरात्र की इस महाकवरेज के लिए आप लगातार बने रहिए सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे।